लेकिन जो तुम मैं निर्णय नहीं लेनाओगे निर्णय नहीं लेनाओगे तो फिर मैं एक ना एक भी मेरा आज का ट्वीट भी पालो मेरा आज का ट्वीट भी पालो जड़ी बिजली मैं कहना प्रधान होने नाते ना कहना कि जड़ी बिजली अगर 9 रुपये मिल रही है वो 10 रुपये बिल उसका क्या कप्तान 60 MLA रोटी खवाण दिया ये कहना मैं इतना लिट खड़का देनी वो रोटी खवाण दिया इतना लिट खड़काउण दिया। सत श्री अकाल, निरपक पोस्ट वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ नीरज कुमार, लैके हाजिर हाँ पंजाब दियाँ टॉप खबर। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो तुहानू दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिता है कि जेकर उन्हां नू हाईकमान ने काम करन दी इजाजत ना दिती तां उह इट दे नाल इट खड़का देणगे। इस तों इलावा गल करांगे कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत की, जिन्हां दी अज मीटिंग हुई है कांग्रेस की अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी के नाल। इस तो इलावा गल की जाऊगी गुरदास मान को लेकर जो विवाद चल रहा है तो उन्होंने हुण समर्थन के आए ने कांग्रेस के विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। इस तो इलावा गल की जाएगी संयुक्त किसान मोर्चा की, तुम दस दी है कि दिल्ली दिया बरूह से चल रहा 9 महीने पूरे हो चुके हैं। तो इस तो इलावा होर गल होगी श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया की, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के नाल नाल कांग्रेस से भी तिखे वार किए ने। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर तो तुम दस दी है कि पंजाब 2022 विधानसभा चोणों को लेकर लगातार सियासी अखाड़ा भख्या होया। तो अज नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर दे विच एक वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा कि जेकर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान ने खुल के काम करने की इजाजत ना दी तो वह इट दे नाल इट खड़का देंगे। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि जेकर पंजाब मॉडल जो सिद्धू को पंजाब मॉडल है उसनू जेकर लागू करते हैं तो पंजाब दे विच आउन वाले समय दे विच 20 साल तक कांग्रेस किते नहीं हिलेगी। तो पंजाब का जो मॉडल होगा उस दे नाल जो खाली खजाना पे है उसनू भी आसानी दे नाल भरिया जा सकेगा। और मैं अज भी उठी खड़ा, ये नहीं कि मैं पहले दिन तो ये आवाज़ नहीं चकी हूँ, मैं चकी हूँ और अज भी मैं हाईकमान को इको गल कह गया है कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन लोगों दिया आसा के उत्ते खड़ा उतरू मैं अगले साल 20 साल राजनीति के कांग्रेस को डांड भी दू। लेकिन जो तुम मैं निर्णय नहीं लेनाओगे तो फिर मैं एक ना एक भी क्योंकि निर्णय लेने तो बड़ा दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जी मन है मैं अब फिर तुम कह रहा कि अपनिया पॉलिसियां तुम कट्ठिया करके बनाओगे और ये 6 महीने के सारा कुछ पूरा होगा। मैं क्यों कहना क्योंकि जड़े पैसे सेव देने निजी के बन जाते सब निजी के बन जाते राजनीति गंदली होगी मैली होगी धंधा बन जाए सिर्फ और स्टेट के रिसोर्सेज सारे निजी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल एरिया का स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल यह कहता कि स्टेट का खजाना भरना किस तरीके है, भरना किस तरीके है और जिस तरह बदल समुद्र तो पानी लेता और धरती के उत्ते बना के 4 गुना करके वापस मोड़ता है। मैं तुम्हें अब एक गल लिख के कहना कि इंडस्ट्री तो बिना कोई सूबा चल नहीं सकता। मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो, जड़ी बिजली मैं कहना प्रधान होने नाते ना कहना कि जड़ी बिजली अगर 9 रुपये मिल रही है वो 10 रुपये बिल उसका क्या कहना। 1 रुपये 99 पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है 17 रुपये किस पैसे क्यों कौन एक अप्ले कर रहा है कौन है वो जरा नहीं चाहता वाइट पेपर देना क्यों नहीं देना चाहता की हो रहा है। मैं तुम्हें आज कहना कि 3 रुपये बिजली उस दिन मिलू जिस दिन ये पीपीए फॉल्टी पीपीए कैंसल होंगे
अज तुम वचन दिना नवजोत सिंह सिद्धू, वचन दिना नवजोत सिंह सिद्धू जो मैं जान की बाजी भी लानी पी लाऊंगा, लेकिन टीवियां में गया आप खेडा थोड़े चलो जमीन निकल 50,000 करोड़ रुपया मिलता है टैक्स है जरा एक आम आदमी जरा एक आम छोटा व्यापारी अब सरकार में पा रहे तो तुम सोचते हो कि 3 लाख करोड़ रुपया जरा कर्जा है वो असी नहीं मोड़ना। मैं थोड़ा कहना और डंके की चोट के उत्ते कहना कि अगला इलेक्शन पंजाब का आखिरी चांस है। अगला इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, एक पंजाब की अगली नस्ल अगली पीढ़ी का सवाल है, अगली पीढ़ी का सवाल पंजाब के भविष्य का सवाल है, पंजाब की अगली पीढ़ी का सवाल। इस करके तू एक इलेक्शन दे नाते ना दे। मैं तुम्हें कहना कि अगर आज और मैं सीएम साहब को भी यह विनती कर चुके हैं कि अगर आज बिजली कली बिजली असी पीपीए रद्द कर दिया और रद्द हो सकते हैं, आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन, आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन। अगर कले असी ये बिजली समझौते रद्द कर दिए और शहर डोमेस्टिक यूजर 3.75 रुपये बिजली दे दिए ना, तो मैं तुम्हें कहना के सारे शहर वाले उठ के कह दे यार आस दोबारा चाहिए, यार आस दोबारा चाहिए। 5 रुपये डोमेस्टिक यूजर तुम देखो आज 9-10 रुपये, अगर 1 लाख यूनिट फुक रहा है तो 5 लाख रुपये बिल आना चाहिए इंडस्ट्री का, क्यों होगा 10 लाख, क्यों होगा 11 लाख। मेरे वर्गा बंदा भी सवाल करना है वो यार जो 8 AC जाते हैं उदो बिल आता 1 लाख, तो सर्दी के जो कोई AC नहीं मैं घर के नहीं तो बिल आता 2 लाख, ये किदा है, ये क्यों है, ये कि थोड़े को गिदर सिंह है जी जिदे तक देखो जो देखो पा दें। अज पंजाब 10,000 करोड़ रुपये की सबसिडी दे रहे, 10,000 करोड़ रुपये की सबसिडी, और अगर ये पीपीए कैंसल हो जाए मैं तुम्हें गारंटी देना, मैं तुम्हें गारंटी देना कांग्रेस की सरकार हम के द्वारा बनेगी और इन चोरों के पोतले खुलिया के चोर चोरी नहीं फड़ता, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस चोरी को समझ जाके देगा पंजाब के लोगों के समझ जाके। तो हुण गल करदे आं पंजाब कांग्रेस के नाल संबंधित, तुहानू दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार इन दिन खूब चर्चावां दे विच सन, ते मालविंदर सिंह माली वालों लगातार एक तो बाद एक विवादित बयान दिते जा रहे सी, तां उसनू लैके हुण लगातार जदों पंजाब कांग्रेस के प्रभारी जो हरीश रावत ने उन्होंने वालों कहा गया सीगा कि या तां सिद्धू इन्हां नू हटाउण या फिर वो खुद हटाउणगे, तां तुहानू दस दईए कि अज मालविंदर सिंह माली ने सिद्धू के सलाहकार के अहुदे तों अस्तीफा दे दिता है। तो तुम दस दें कि जिन्हें ने अज नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार तो अस्तीफा दिता, दस दिए कि माली ने कश्मीर नू लैके एक वड्डा बयान दिता थी जिस उन्होंने कश्मीर नू भारत तो एक अलग देश दसिया थी, जिस ते कहा सी भारत ने कब्जा किया होया है। इस बयान की निखेधी जिथे विरोधी धिर ने की सी उत्थे अपन ने भी इसकी निखेधी की सी, ते पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने भी सिद्धू नू फटकार लगाई थी कि जल्द ही वो इन्हों हटाऊ, जिस तो बाद आनंद फानन च नवजोत सिंह सिद्धू मालविंदर सिंह माली के प्यारेलाल गर्ग नू पटियाला विखे अपने घर सद्दे हैं, तो उत्थे एक लंबी चौड़ी मैराथन बैठक होंदी है, जिस तो बाद बाहर आके माली ने मीडिया मूहरे बयान दिता सी कि संवाद चलता रहना चाहिए, तो संवाद नाल ही गलतियां फड़िया जांदियां हन। उधर प्यारेलाल गर्ग का कहना सी कि वह सच नू सच दे झूठ नू झूठ कहिंदे रहणगे, परंतु उस तो बाद भी मालविंदर सिंह माली लगातार एक तो बाद एक बयान दिंदे रहे, ते विरोधियां अते अपने दे ही निशाने ते आउंदे रहे, जिस तो बाद जदों इह मामला पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत कोल पहुंचदा है तां उह सिद्धू नू कहिंदे हन कि या तां इन्हां नू उह खुद ही हटा देण या फिर उह खुद हटाउणगे, ते उन्हां ने कहा सी कश्मीर भारत दा अणखिणवा अंग है, परंतु हुण सियासी गलियारियां च चर्चावां उठ रही हैं कि रावत भी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी का अहुदा छड्डना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहना है कि वो उत्तराखंड होने वाली विधानसभा चोणों के सारा ध्यान लगाना चाहते हैं। बीते दिन कैप्टन तो बागी धड़ा जिस विच कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा चरणजीत सिंह चन्नी सुखबिंदर सिंह सरकारिया समेत कई विधायकों ने पंजाब के हालातों को लैके
रावत के नाल चर्चा की पंजाब सीएम फेस नूं बदलन की मांग की सी। हालांकि रावत इत्थे स्पष्ट कर चुके हैं कि पंजाब 2022 विधानसभा दीआं चोणां कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई च ही लड़ेगा। रावत ने कहा कि जिवें ही हाईकमान तो समा मिलेगा पंजाब के हालातों नूं लैके भी चर्चा करनगे। तो उन्होंने अज कांग्रेस की अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी के नाल मुलाकात की है। तो उन्होंने कहना है कि पंजाब के विधायकों की जो गल है वह हाईकमान तक पहुँचा दी गई है। तो हुण गल करदे आं पंजाबी गायक गुरदास मान के नाल संबंधित। तुहानू दस दईए कि गुरदास मान ते 295A दे तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तो हुण उन्हां दे समर्थन दे विच आए ने कांग्रेस के विधायक अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, जिन्हां ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अते DGP दिनकर गुप्ता नूं इह परचा जो है वह कैंसल करन दी गल कही है। दरअसल तुहानू दस दईए कि नकोदर दे विच गुरदास मान दे वल्लों एक बयान दिता जाता है, जिस दे विच ओह कहिंदे ने कि साईं लाडी शाह जी तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी दे वंश विचों हन। तां उस नूं लैके सिख जथेबंदियां अते सिख जगत दे विच काफ़ी जो है रोष पैदा हो जाता है। सोशल मीडिया दे उत्ते काफ़ी टिप्पणियां जो है गुरदास मान दे खिलाफ़ कीतियां जांदियां ते मामला दर्ज करन दी गल कही जांदी है। तां उस नूं लैके 295A दे तहत उन्हां ते मामला दर्ज हो जांदा है। ते हुण अज जो है राजावड़िंग गुरदास मान दे हक दे विच उतरे ने। तो उन्हां दा कहना है कि गुरदास मान ने पंजाबी भाषा के प्रचार के लिए बहुत काम किए ने। तो इस दे लई उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ते DGP नूं अपील की है कि यह परचा जो है वह रद्द किया जाए। सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है, ठीक ठाक हो? मैनू पता लग्या कि गुरदास मान जी ते 295 का मुकदमा दर्ज होया है, जिहड़ा कि मैं समझदा कि मैं ओरी निंदा करदा, ये नहीं होना चाहिए सी। वो इस करके निंदा करदा क्योंकि गुरदास मान ने हमेशा पंजाबी मां बोली नूं प्यार दिता, और अज मैनू लगता कि दुनिया के अंदर पंजाबी मां बोली का प्रचार करने वास्ते जो वड्डा योगदान किसी व्यक्ति का है तो वह गुरदास मान जी का है। देशों विदेशों जदों हुण तक कलाकार मेरे भरा पंजाबी इंडस्ट्री बड़ी उचाइयां ते पहुँच गई है, हुण तां कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन पहचान बनाने वाले मोहरी आगू बन के वह पहचान बनाए, और अज तक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा कोई इंसान जे है ने तो गुरदास मान जी है। मेरा उन्होंने गहरा तलुकात है, प्यार है, मैं उन्होंने सत्कार बड़ा करता है, और इन्ना नीवा व्यक्ति मैं वेख्या ही नहीं। घरे जे कोई काम वाला बंदा भी है जो छोटा व्यक्ति है वो भी पैरी हथ ला दे। मैं याद है एक बार मैं उन्होंने गड्डी च बैठा सी, जिवें गड्डी च आ जाते कोई इधर उधर कहने वाला भी दियो जी सानू पैसे दियो, एक मैं जवान लगता सी, मैं क्या यार एवं है ये तो जाली बनया हुआ है, लेकिन मैं आख्या जी एक ने सही उन्होंने कहा ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए। इन्ने नीवे व्यक्ति और कोई होमे नहीं, कोई होमे नहीं, कोई हंकार नहीं, उस व्यक्ति का अगर कोई खेड़ा नहीं छड़दा तो साडा तो छड़ना की नहीं है। सो मेरी बेनती है उन्होंने नौजवानों नूं जिन्होंने यह काम करवाया, बिल्कुल थोनू वेखना चाहिए कि उस व्यक्ति का किड्डा वड्डा योगदान। पहला तो अगलिया ने कोई गल कही नहीं, कई तो उन्होंने तुहाडे तो माफ़ी मंग ली अगले मंच से जाके जे थोड़ी ठेस पहुंची, फिर भी यार तुसी नहीं हटे, बड़ी माड़ी गल है। सानू तो जिहड़े तुसी गुरु की गल करदे हो उस गुरु ने यह सिखाया भी माफ़ करन दे नाला वड्डा हुंदा है, ते तुसी तो माफ़ी की भी कोई परवाह नहीं करते, थोड़ा तो एक निकाती एजेंडा कोई होर है। सो मैं माफ़ी मंगना है गुरदास मान जी तो, माफ़ी चाहना है मान साहब थोड़े तो हाथ जोड़ के कि ये परचा होया, और ये नहीं होना चाहिए सी क्योंकि ये बिल्कुल माड़ी गल हुई है। और मैं पंजाब के DGP साहब नूं बहुत सियाने ते सुलझे व्यक्ति ने
और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बेनती करांगा कि इनू जल्द कैंसल करवाया जावे। ये नहीं होना चाहिए सी जो जाने जाने छोया है, तो फिर किसी नू किसी ने छड़ना ही नहीं। जिहड़ा मर्जी कोई धरना ला के बह जे, वह कहिंदा वी मेरे तो परचा दिओ। सो मैं फिर उन्होंने सज्जनों तो भी माफ़ी मंगना चाहना जिन्होंने ये परचा कराया कि भाई जे थोड़े मन में ठेस पहुंची है, थोड़िया भावना मैं माफ़ी मंग लैना और उन्होंने भी माफ़ी मंगी है, पर यह माड़ी पिरत है, ये थोनों नहीं पानी चाहिए। सो ये परचा जल्द तो जल्द कैंसल होवे। असी इस गल का मैं समझदा कि मैं शर्मिंदा है इस गल से गुरदास मान जी पर परचा हो। सो मैं बेनती की और मैं लगता कि यह बेनती कबूल हो जानी है और यह असी इस परचे नू कैंसल करांगे, कैंसल करावांगे। इस सरकार तो मैं मंग रखदा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नू मिलके और DGP साहब नू मिलके ये करांगे। तो दोबारा फिर मान साहब माफ़ी हाथ जोड़ के, मैनू हुणे हुणे ही पता लग गया सी, मैनू पता भी नहीं लग्या, पर मैं इस गल दी थोड़े तो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा, इहनू जल्द ठीक कराउणे। तो हुण गल करदे संयुक्त किसान मोर्चा दे नाल संबंधित, तुहानू दस दईए कि अज कन्वीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, तो उस दे विच फैसला लिया गया कि 25 सितंबर नू भारत बंद किया जाएगा। दस दईए कि जदों पिछले साल भी जदों 2020 दे विच भी जदों ये कानून आए सीगे, तीन खेती कानून आए सी, तां सब तो पहलां जो पंजाब दे विच 25 सितंबर नू कॉल दी गई सी पंजाब बंद नू, तां उस दे विच भी काफ़ी भरवां हुंगारा जो है किसानां नू मिलदा। तो इस बार भी जो कन्वीनिंग कमेटी के मैंबर ने उन्हों का कहना है कि इस सफल बनाने के लिए लोगों को अपील है कि वो तो वह इसका समर्थन करो। इस तो इलावा तुम दस दईए कि अज जो है 9 महीने पूरे हो चुके हैं संयुक्त किसान मोर्चे के जो उत्थे चल रहे अंदोलन, किसानी अंदोलन चल रहा, तुम दस दिए कि पिछले 26 नवंबर तो किसान जो ने वह दिल्ली दिया बरूहों से डटे हुए हैं, तो तीन खेती कानूनों रद्द करने की मंग कर रहे हैं। साथियों, मैं सबसे पहले कन्वीनिंग कमेटी के सदस्यों से आपका परिचय करा दूं। किरणजीत सिंह शेखों, बलदेव सिंह, राजा राम सिंह जी, अतुल अंजान जी, जगमोहन जी से परिचय हो गया है, डॉक्टर सतनाम अजनाला, प्रेम सिंह बंगू जी, सत्यवान जी, KV बिजू जी। ये सम्मेलन 13 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया था और इसका लक्ष्य था कि हम 9 महीने के पूरे होने पर हिंदुस्तान भर के किसानों को, ट्रेड यूनियनों को, अन्य जन संगठन जो महिलाओं के सवाल पर लड़ते हैं, छात्रों को, युवाओं को, इन सब को हम एक मंच पर लाकर देश के सामने सरकार की तीन जो खेती के कानून सरकार लाई है, जिससे वो कह रही है कि देश की आमदनी 2 गुना हो जाएगी, जिससे वो कह रही है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और जो किसानों की जो बाकी बातें हैं, जिन सारी बातों पर सरकार ने कभी भी बैठ के किसानों से चर्चा नहीं की, लेकिन इन कानूनों को पारित कर दिया। इस सवाल पर जो संघर्ष है, इन सवालों पर चर्चा के लिए हम सारे संगठनों को एक मंच पर लाएं, ये हमारे इस सम्मेलन का उद्देश्य था। हमें बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि हम पूरे देश से 300 से ज़्यादा जन संगठनों को यहाँ पर भाग दिला पाए। ये 22 राज्यों से आए थे और इनमें से करीब 3000 प्रतिनिधि थे जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया। हमारे 100 से ज़्यादा साथियों ने, हमने 90 लिखा है, हमारे आखिरी सत्र में जो है ज़्यादा साथियों ने अपने विचार रखे, 100 से ज़्यादा साथियों ने अपने विचार रखे। और जैसा कि आपने सुना होगा, हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने आंदोलन को देश भर में तेज़ करने के लिए हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सफलता पिछले साल 25 सितंबर को हमें मिली थी जब कोरोना का दौर चल रहा था, उसका एक साल पूरा हो जाएगा 25 सितंबर को, उससे ज़्यादा सफलता इस आंदोलन के इस कदम से हमको मिलेगी। इसके अलावा हमने तय किया है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो रैली हो रही है वो संयुक्त किसान मोर्चे की रैली है, उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे, वो इन सवालों पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जन संघर्ष की को तेज़ करने की घोषणा वहाँ से होगी, और हर ज़िले में, हर कमिश्नरी में वो आंदोलन वहाँ से फैलेगा, उसमें भाग लेने की भी हमने अपील की है।
हमने ये भी अपील की है कि जिलों के और निचले स्तर पर सभी लड़ाकू संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, खेत मजदूर संगठन ये बैठें और इन कानूनों का अध्ययन करें, इसके प्रभाव का अध्ययन करें और एक संयुक्त संघर्ष का निर्माण देश भर में करें। हमने 3 कानूनों की खेती के कॉरपोरेट पक्षधर कानूनों को वापस कराने की मांग उठाई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग उठाई है, हमने नए बिजली बिल को वापस लेने की मांग उठाई है और जो NCR में प्रदूषण के सवाल पर इन्होंने नया कानून बनाया है उसमें किसानों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग उठाई है। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। इस सम्मेलन के में चर्चा के दौरान हमने समझा कि सरकार का जो ये हमला है, जो कॉरपोरेट के पक्ष से, विदेशी कंपनियों के पक्ष से खेती पर हमला है, ये हमला तो पूरी खेती के प्रारूप, कौन सी फसलें पैदा की जाएंगी, किस तरह के लागत के दाम महंगे रेट पर बेचे जाएंगे, किस तरह से मार्केट पर कब्जा करके फसलें जो है किसानों की सस्ते में खरीदी जाएंगी, ठेके में बांधकर उनसे खेती कराई जाएगी, फसल के खरीद, भंडारण, परिवहन, उसके प्रसंस्करण और उसकी बिक्री पर, पैकेज्ड फूड पर उनका कब्जा होगा। 30,000 करोड़ रुपए का मार्केट है, कंपनियां चाहती हैं कि ये इसको कब्जा करके 2,10,000 करोड़ रुपए का बना दें। ये सारी चीज़ों पर तो कब्जा होगा ही, लेकिन देश की सरकार जो कंगाली की हालत में आ चुकी है और उसने इस साल के बजट में भी भारी घाटे में आधे से ज़्यादा बजट जो है उधार पे था, वो किसानों से, मजदूरों से, आमजनों से वसूली भी उसने तेज़ कर दी है, उसने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं तेज़ी से, ये तमाम जो उसने कदम किए, कर्म किए हैं जनता के खिलाफ, ये कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किए हैं। उसके लिए ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, देश को सजाया जा रहा है कॉरपोरेट के लिए, लेकिन कॉरपोरेट लगातार घाटे में जा रहा है, बैंक घाटे में चले गए हैं और इन सारी नीतियों को अमल करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि खेती के क्षेत्र में अब इस हमले को तेज़ किया जाए। हमने इस बात को समझा कि कॉरपोरेट के पक्ष में उसने 4 लेबर कोड बनाए, उसने एक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण किया, वहाँ पे कॉरपोरेट ग्रोथ हो रही है, आम चीज़ों की ग्रोथ नहीं हो रही है। उसने जो है तमाम महिलाओं पर भी हमले तेज़ किए हैं, बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये सारी बहुत समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इन सारे सवालों पर संघर्ष तेज़ करने की ज़रूरत है और इन साथियों के विचार सुन के हमने इनकी इन मांगों का, इन बिंदुओं पर भी विचार करके समर्थन किया है और हमने संकल्प लिया है कि अगर सारे लोग एक मंच पर आएंगे, क्योंकि इस आंदोलन ने, किसानों के इस आंदोलन ने मोदी सरकार की जो टैक्टिक्स है, जो लगातार देश की जनता को विभाजित करना, अल्पसंख्यकों पर हमले करना, एक झूठी देशभक्ति का प्रचार करना और उसको प्रेरित करते हुए पुलिस के दमन से लोगों को आतंकित करना और इस आतंक के माहौल में जन विरोधी कानून पारित करना और मीडिया से प्रचार कराना कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, ये तमाम जो बातें हैं, इन तमाम बातों पर जो है सारे लोग एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमारी बातों का प्रचार जनता तक ले जाएं। ते हुण गल करदे श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया दी, जिन्हां ने अज आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे उत्ते तिखे वार किते ने ते उन्हां ने आम आदमी पार्टी दा जो दिल्ली मॉडल है उसनू दिल्ली दे विच ही फेल करार दिता है। उन्हां दा कहना है कि जदों कोविड आया तो उस समय दिल्ली के हालात लोगों ने आप देखे ने, इस तो इलावा होर की कुछ कहना बिक्रम सिंह मजीठिया का, आओ तुम सुनाते हैं। ये ज़्यादातर गुरदासपुर बटाला इस हल्के इन इलाकों संबंधित है, इन्हों जी आए कहना और मैं समझता वो लोग ने जिन्होंने बहुत मेहनत करके पार्टी के प्रचार प्रसार वास्ते दिन रात एक करके अन्ना हजारे की मूवमेंट नाल जुड़े हो करके काफ़ी काम किया, मगर हौली हौली इन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि पंजाब की पार्टी पंजाब का भला कर सकती है। जेडे धाड़वी आते हैं उन्होंने पंजाब नू एक केवल तो केवल अपने फायदे लिए किमें उजाड़ा कर सकते हैं, वो दे लिए वरत रहे हैं, पंजाब के भले वास्ते कोई नीति नहीं और पंजाब की खुद मुख्तियारी, पंजाबी आप समर्थ ने अपना फैसला लैन वास्ते, पंजाबी वो कौम है जिन्होंने देश दुनिया नू रस्ता विखाया और अज पंजाबी नू आके कोई
बाहरले किसी स्टेट चो आ के दसन की कोशिश करे वो खिलाफ ने। और जिस तरीके केजरीवाल ने एंटी पंजाब स्टैंड लिया, चाहे वह पानिया के मुद्दे पर एस वाई एल के मुद्दे पर, चाहे वह बिजली थर्मल प्लांटा के मुद्दे पर है कि जाके इन्हों बंद करा दो, और तीजा जिहड़ा इन्होंने पराली साड़न के मुद्दे पर यह कहता कि जी दिल्ली का प्रदूषण का कारण तो पंजाब ते हरियाणा बनते हैं किसान हमेशा ही, और एक करोड़ तक का उन्होंने जुर्माना लाने का काम किया। जिहड़े एंटी पंजाब स्टांस रहे हैं और खास तौर पर पानिया के उत्ते जो उन्होंने स्टैंड रहा, वो ये सारी गल्लां ध्यान च रखदिया होया और दिल्ली का फेल मॉडल उसनू रिजैक्ट करदिया होया, अज दिल्ली च कोविड दी डैथा सब तो वध, दिल्ली च जिहड़े वो कहिंदे सी कि क्लीनिक बनाए सी महला क्लीनिक वो किसी महल च ही नहीं लभदे, और किस तरह दिल्ली डुबिया आई वारी डुबदा जो मीह बरसात कनी आउंदी है। इन सारियां गल्लां जिहड़े फोके इन्हां दे वहदे है आप दे सिक्योरिटी कहिंदे नहीं लवांगे, मैनूं लगदा जिन्नी सिक्योरिटी सहूलत इन्हां ने लईआं सी किसी ने लईआं नहीं। और कल बट इत्थे गुरदासपुर तो आ गए पता लैन, जिहड़े हज़ारां दी गिनती च मौतां हेल्थ दी फेल्ड फैसिलिटीज़ करके जो डैथ दिल्ली च होईआं उन्हां दा पता तो अज तक नहीं लैणगे, किन्ने बच्चे बच्चियां यतीम हो गए उन्हां दा पता अज तक नहीं लिया। हर गल ते राजनीति करनी और केवल ते केवल पंजाब नूं इक ब्रीडिंग ग्राउंड वजो वरत के पंजाब दा विरोध करना, इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हालात खराब करन च इहदे विरोध च खड़ना, उन्हां दी जिहड़ी पॉलिटिक्स है उहनूं रिजैक्ट करदे हो अज पार्टी च शामिल होए आ, मैं इहनां दा धन्नवाद करदा इहनां नूं जी आयां नूं कही। थोड़े कुछ सवाल जी, देखो ओबराय साहब का तो बड़ा वड्डा बयान आया ही है कि उन्होंने सी एम की ऑफर इन्हों की रिजेक्ट की है, चेहरे नाल हरपाल चीमा ते भगवंत मान जी नू बिठा लेंदे ते कहिंदे मैनू चेहरा लभदा नहीं, हुण उह बेचारे कि फिर लवली क्रीम लाउण कि तुहानू चंगी लगे, इन्हां दे चेहरे पसंद आउणे शुरू होणे तां इही दस सकदे आ चेहरा चूरा इन्हां दा पंजाब दा होणा ही नहीं। इन्हां नू चाहीदा रिमोट कंट्रोल ते इन्हां नू चाहीदा कि पंजाबी अपना फैसला आप ना कर सके, उहदा कंट्रोल दिल्ली दरबार कोल होवे, उहो जिहा चेहरा तां इन्हां नू कदे वी नहीं लभणा क्योंकि पंजाबी आपदा फैसला आप करन लई समर्थ ने। और मैं समझदा इन्हों को चेहरा 22 तो पहला पसंद आ जाए ये बड़ी प्राप्ति हो। ये कहिंदे जी दिल्ली के इशारे ते घट ते ISI के इशारे ते वध इस्तीफा आया, क्योंकि रात का गुस्सा एडा चढ़िया सी उत्थे कैप्टन 60 MLनू रोटी खवाउण डिया, ये कहिंदा मैं इट नाल इट खड़का देनी, वो रोटी खवाउण डिया इट नाल इट खड़काउण डिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहो निरपक्ष पोस्ट के नाल, खबर की निरपक्ष आवाज़ साड़ी वैबसाइट www.nirpakhpost.com ते विजिट करो, ते ताज़ा खबरों के लिए साडे चैनल नू फेसबुक ते लाइक करो ते यूट्यूब ते जरूर सबसक्राइब करो। निरपक्ष पोस्ट, खबर की निरपक्ष आवाज़। पंजाब ते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुँचण की कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ, तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर की निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।